देश विदेश में बरसात के मौसम में नजारा कुछ यूं बदल जाता है जैसे कि हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। आज हम आपको लेकर चलेंगे गोविंदगढ़ के खंडों में, जहां पर प्रसिद्ध मां का मंदिर है, और दिखाएंगे वहां का नजारा। बरसात का मौसम आते ही शहर के आसपास के इलाकों में रौनक से आ गई है। लॉकडाउन का दौर है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। हमेशा की तरह रीवा के पिकनिक स्पॉट बारिश के मौसम में अपनी छटा बिखेरने लगे हैं। ऐसे ही यह की स्पॉट में आज आपको लेकर चलेंगे, जहां पर मां का एक भव्य मंदिर भी है, गोविंदगढ़ किले के पीछे खंडों में, और दिखाएंगे वहां का नजारा और बात करेंगे वहां के पुजारी संजय जी से। जय माता जी। दोस्तों, ये खंडो मंदिर जो है 340 वर्ष पुराना मंदिर है, काली माता जी का मंदिर है। और ये स्थान धार्मिक तौर पे तो है ही, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है, और धार्मिक कुंड भी है अपन यहाँ माता जी का। और ये इतिहास यहाँ का तो हजार वर्ष पुराना होगा। अब दूसरा मेरा सवाल है, यहाँ का इतिहास क्या है इस मंदिर का? इस मंदिर का इतिहास, जैसे यहाँ के राजा लोग जो रहते थे, और स्थापना जो भी जैसा भी वो भी तो अपन लोग नहीं जानते हैं कि ये युद्ध होता था। जब भी युद्ध हुआ करता था तो ये राजा लोग यहाँ आते थे और माता जी से उनकी साक्षात्कार होती थी और युद्ध के लिए वो जाते थे। इस दृष्टि से माता जी का मंदिर जो है काफी पुराना भी है, और आसपास के लोग काफी और रीवा और सतना सीधी सड़ो काफी जगह से लोग एकत्रित होते हैं। काफी ये प्रसिद्ध मंदिर, हाँ, प्रसिद्ध मंदिर है माता जी। अच्छा, यह बताइए कि यह यहाँ पर सौंदर्यीकरण का क्या स्कोप है? यहाँ सौंदर्यीकरण का ये मान के चलिए कि प्राकृतिक झरना जो है वो तो है ही है, और यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो अगर शासन प्रशासन चाहे तो कर दे तो अच्छा हो जाएगा। और जैसे कि आप गार्डन भी लग जाए और पानी की व्यवस्था हो जाए अच्छा, क्योंकि गर्मियों में यहाँ जो है सूख जाता है ये कुंड, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत जाती है भक्तों को। और रोड में वहाँ से खखरी कोठी से लेके यहाँ तक 3 सेट लग जाए तो कम से कम भक्तों को वहाँ चलने में आसानी होगी, और छाया भी रहेगा, धूप भी नहीं लगेगी, बारिश का भी जो समय होता है वो उससे भी बचाव होगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ अगर शासन प्रशासन ध्यान दे तो बहुत कुछ हो सकता है। पेयजल समस्या ये मान के चलिए कभी तो कुंड से प्राकृतिक कुंड से ही चलता है, और अब शायद बना रहे हैं व्यवस्था, अगर बन जाएगी यहाँ तक आ जाएगा पानी का तो कहीं टंकी, छोटी मोटी टंकी भी बना देंगे तो लोगों को पानी पीने के लिए बहुत हो जाएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।